Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss the next question of agriculture optional answer writing practice. So जो agriculture optional answer writing practice है उसके next question को आज हम discuss करने वाले हैं. और आज का हमारा question है, how soil acidity affects crop production? How soil acidity affects crop production? And elaborate remedial procedure of soil acidity. तो इसमें दो चीजें हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं सॉइल एसिडिटी के और उसका मैनेजमेंट जो रिमेडियल प्रोसीजर है कैसे हम उसे ठीक करेंगे. तो आई थिंक मैंने जो भी मेरा जो कोर्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल का उसमें अगर आप पेपर वन देखें तो आई थिंक रिकलेमिनेशन ऑफ सॉइल करके टॉपिक्स में मैंने सारा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक नंबर है पर हमने डिस्कस में सॉइल एसिडिटी एल्कलिनिटी सोडिसिटी सबको अच्छे से डिटेल में बताया है और सबका मैनेजमेंट भी बताया है. तो अगर आपने वो कोर्स अपने वो लेक्चर्स को देखे हुए हैं तो आई थिंक आपके लिए इजी क्वेश्चन है, आप उसे आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. पर अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं और ये तो फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स है सॉइल एसिडिटी के और उसके रिमेडियल प्रोसीजर क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एसिडिक सॉइल? सो द एसिडिक सॉइल वो होता है जिसका पीएच इज लोअर देन 5.5. पीएच इज लोअर देन 5.5. वी ऑल नो जनरली कि जो पीएच एसिड है पीएच लोअर देन 7. सो 7 से नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे तो एसिड का जो सिवियरिटी है वो बढ़ते जाएगा. तो जो अगर पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हम सॉइल को एसिडिक बोल देते हैं. और एसिडिक सॉइल में क्या होता है, अल्मोनियम एंड मैंगनीज आर हाईली अवेलेबल. और ये लोग इतने अधिक अमाउंट में अवेलेबल होते हैं कि ये टॉक्सिक इफेक्ट्स वहां पे दिखाने लगते हैं. हाईली अवेलेबल एंड दैट्स व्हाई दे सो टॉक्सिसिटी. और यहाँ पे वही अगर बात करें नाइट्रोजन की या फिर कैल्शियम की या फॉस्फोरस की या मैग्नीशियम की या पोटासियम की, ये सब क्या होती है, लेस अवेलेबल होता है. दीस थिंग दीस एलिमेंट्स आर लेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट्स. So these elements are less available, while aluminium, magnesium, even iron are highly available and they show toxicity. तो ये चीजें कुछ थी जो soil acidity के बारे में था. आप चाहे तो introduction में भी इन चीजों को mention कर सकते हैं, कुछ एक दो facts जो भी आप mention करना चाहें. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं effects. What are the effects of soil acidity? First of all, deficiency. So acid soils are deficient in many elements or nutrients. सबसे पहले दे आर डिफिशियंट इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम बिकॉज दीज आर बेसिक कैटायंस. दीज आर बेसिक कैटायंस एंड दे लीच बियॉन्ड रूट जोन. एंड दे लीच बियॉन्ड रूट जोन. सो तो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटासियम है जो सब बेसिक कैटायंस है और ये सब लीच कर जाती है रूट जोन के बियॉन्ड. तो प्लांट्स के लिए या फिर प्लांट्स के रूट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं होती है. दे आर नॉट बीन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स एज दे लीच. ओके, सेकेंडली ये ऑल डिफिशियंट ये सल्फर और बोरोन में भी होते हैं. दे आल्सो डिफिशियंट इन सल्फर एंड बोरोन. और यहाँ पे चीज और आप जान सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक ऑर्थोफॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्थोफॉस्फेट दैट इज H2PO4-, इट विल बी प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल. इट विल बी प्रेसिपिटेटेड एज इनसोल्यूबल हाइड्रोक्सीफॉस्फेट्स. सो ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एज इनसोल्यूबल हाइड्रोक्सीफॉस्फेट्स, इस वजह से कि ये अवेलेबिलिटी नहीं शो कर पाते क्योंकि ये इनसोल्यूबल हो जाते हैं. और इस वजह से आप देखेंगे कि फॉस्फोरस और मोलिब्डेनम का भी डिफिशियंसी हो जाता है. तो ये इनकी
जो ऑर्थोफॉस्फेट, क्योंकि जो ये प्रेसिपिटेट करती है हाइड्रोक्सी फॉस्फेट से, तो फॉस्फोरस कैपेबिलिटी नहीं होती और मोलिब्डेनम की भी कैपेबिलिटी नहीं होती है प्लांट्स के लिए। तो अगर इन बेसिक न्यूट्रिएंट्स में प्लांट डिफिशियंट हो जाएगा, इफ देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, और क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे तो यील्ड काफी कम होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें डिफिशियंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंडली, जो अल्मोनियम, मैंगनीज और एफी आयरन है वो एक्सेसिव अमाउंट्स में जाते हैं और ये टॉक्सिक हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी बात किया, और ये टॉक्सिक हो जाएंगे वैसे, ये दीज आर हार्म, दिस दे बिकम हार्मफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे बिकम हार्मफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मूविंग ऑन, देर इज हाईली इफेक्ट इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो जैसे सच एज बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स और अदर, या फिर कोई और अदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर गुड अफेक्टेड, सो देर इज डिग्रेडेड इन्वायरमेंट फॉर देम, डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, दैट इज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अर्थवॉर्म इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अर्थवर्म एंड अदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, सो ड्यू टू दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली इन एसिडिक सॉइल्स, सो वो लूज कर जाते हैं, तो उनके वजह से जो बेनिफिट्स सॉइल से मिलती है प्लांट्स को या क्रॉप्स को वो नहीं मिल पाती है। और अगर आप देखें तो ये यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया विच इज राइजोबिया, दैट इज और वी से राइजोबियम, इनके ये भी, इनका भी सर्वाइवल पे प्रॉब्लम रहता है, दे ऑल्सो इनहिबिट द सर्वाइवल ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो, राइजोबिया इज नॉट एबल टू ऑल्सो सर्वाइव, एंड वी ऑल नो दैट राइजोबिया इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन, सो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। फंजाई का डोमिनेशन हो जाता है, देयर इज डोमिनेशन ऑफ फंजाई इन द एनवायरमेंट, फंगल इन्फेक्शन जो है क्रॉप में वो होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन काफी हो जाते हैं क्रॉप में। सो दीज आर द रीजंस विच आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, और भी इफेक्ट्स आप अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, सो दैट वी नो, सो दैट वी आर इंटरेक्शन, आवर इंटरेक्शन, आवर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेज, एंड आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो ये तो हो गई फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज इफेक्ट्स। सेकेंडली, रिमेडियल प्रोसीजर, तो कैसे अब ठीक करेंगे सॉइल एसिडिटी को, सो लेट्स मूव इनटू रिमेडियल प्रोसीजर, रेमेडीज टू कंट्रोल और मैंने मैनेज सॉइल एसिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइम, दैट इज ऑल वी कैन से लाइमिंग, लाइम का यूज करेंगे हम लोग, लाइमिंग करेंगे फील्ड का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिड्यूसेस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ एल एम एन एंड एफ, इन तीनों की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, ये एवेबिलिटी ऑफ मोलिब्डेनम एंड फॉस्फोरस को बढ़ाता है, इंक्रीजेस एवेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड मोलिब्डेनम, इट ऑल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनहेंसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय enhancing microbiota, also helps in enhancing microbial activity, microbial activity, so these are the benefits of liming, इसलिए हम लाइमिंग करते हैं ताकि acidity कम हो सके और ये सब benefits हमें मिल सके। Secondly, choice of crops, obviously we will go with acid tolerant crops, we'll use acid tolerant crops, for example we can grow rice, we can grow cassava, we can grow cashew, or you can say citrus, etc. these are some of the acid tolerant crops, तो हम लोग यहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। By using this, the production of crops will not highly affected. अगर आप acid susceptible crops का use कर लें, तो they will be highly affected through acidity of soil. उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। वी कैन अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो ऑर्गेनिक मैटर, जो भी नाइट्रोजन हो गया या स्पेशली नाइट्रोजन और अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स, पोटासियम, फॉस्फोरस,
और जो भी अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको इंक्रीज करेगा सॉइल में, एंड दैट विल आल्सो हेल्प अस इन गुड क्रॉप प्रोडक्शन। वाटर मैनेजमेंट पे हमें ध्यान देना होगा, हमें जो एसिड मटेरियल है उसे लीच करानी होगी, लीचिंग एंड ड्रेनिंग ऑफ एसिड मटेरियल। लीचिंग एंड ड्रेनिंग ऑफ एसिड मटेरियल वी कैन आल्सो, जहां भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस सॉइल में हमें अच्छे ड्रेनेज रखना होगा ताकि सॉइल वहां स्टेगनेंट ना हो पाए, स्टेगनेशन होने से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और ड्रेनिंग और लीचिंग से हम उस जो एसिड मटेरियल से लीच डाउन करा सकते हैं फ्रॉम द फील्ड्स। नेक्स्ट वी कैन यूज बेसिक फर्टिलाइजर्स सो दैट द पीएच इंक्रीज करे सॉइल का, सो दैट द इट इंक्रीजेस पीएच, एंड द बेसिक फर्टिलाइजर्स वी कैन यूज सच एज सोडियम नाइट्रेट। We can use basic slag. So these are the basic fertilizers we can use. So ये कुछ management के techniques हमने मैंने बताई, और भी काफी सारे techniques हैं, और you can say the remedial procedure जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप comments करके बताएं और भी क्या क्या remedial procedure हैं। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस को बना सकें, सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।